कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात हुई 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या के मामले में वांटेड उमाकांत ने चौबीपुर थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उमाकांत पर 50,000 का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि उमाकांत थाने में जब सरेंडर करने पहुंचा तो उनकी पत्नी और बच्चे भी साथ थे। दरअसल उमाकांत उन 21 वांछित लोगों में शुमार था जिनकी पुलिस बिकरू हत्याकांड के बाद से तलाश कर रही थी। महीने भर से ज्यादा की फरारी काटने के बाद उमाकांत ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। उसे एनकाउंटर का खौफ इस कदर था कि थाने आते वक्त उसने बीवी और बच्चों को भी साथ ले लिया। उमाकांत पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि उमाकांत पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। उमाकांत से गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाने में आज उमाकांत शुक्ला जो वहाँ बिकरू में इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और हमारे कुछ पुलिसकर्मी इंजर्ड भी हुए थे, उस घटना में जो सम्मिलित 50,000 का इनामी है वो खुद आज अपने परिवार के साथ थाना चौबेपुर पे पहुंचा। उसमें 50,000 का इनाम भी था और उसने आके वहाँ थाने पे सरेंडर किया है और उसके परिवार वालों ने उसके जान की दुहाई लगाई है। चौबेपुर पे उसको डिटेन कर लिया गया है, डिटेन करके उससे गहन पूछताछ की जा रही है। हमारी सारी टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं और हम प्रयास करेंगे जो भी उसका वेपन या उसके अमनीशन है या और कोई एविडेंस उस मुकदमे में है उसको उसकी पूछताछ के दौरान और उसको मौके पे ले जाके गहनता से उसका क्या रोल रहा है, किस जगह वो मौजूद रहा है और क्या उसने उसमें पूरा क्रम घटना का था और कोई सदस्य जो हमारे इस पूरे मुकदमे में उस समय प्रकाश में ना आया हो उसके बारे में भी उससे पूछताछ की जाएगी, गहन इंटरोगेशन की जाएगी और फिर उसके बाद उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसकी अरेस्टिंग और उसको फाइनली जेल भेजा जाएगा। ये हमारा सक्रिय अभियुक्त था उस मुकदमे में, इसका नाम प्रकाश में आया था, फायरिंग में इन्वॉल्व था, अमनीशन सप्लाई करने का इस पर उस मुकदमे में उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य सामने आए थे। आपको बता दें कि विकास दुबे के गांव बिकरू में 2-3 जुलाई को दरमियानी रात को 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में विकास दुबे समेत उसके कई साथी शामिल थे। पुलिस ने हत्याकांड के बाद 21 वांछितों के पोस्टर जारी किए थे, उनमें से उमाकांत भी एक था। हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 6 लोगों को पुलिस एनकाउंटर के दौरान मौत के घाट उतार चुकी है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।